नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज हम हैं मैहर में। आपको आज हम माता रानी के सीधे दर्शन कराएंगे। आज एमपी वॉच ग्राउंड जीरो लेवल पर आपको मैहर की एक एक रिपोर्ट दिखाएगा। आपको ये हम ये भी बताएंगे कि कोरोना संक्रमण के कारण मैहर मेला कितना प्रभावित हुआ है। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण का काफ़ी असर देखा जा रहा है। अभी वो भीड़ नहीं जुट पा रही है श्रद्धालुओं की, जो प्रशासन को इस बार उम्मीद थी। अभी मैं हूँ मैहर के प्रथम द्वार पर। यहाँ से माता रानी के कपाट तक जाने के लिए तीन मार्ग हैं। एक सीढ़ियों का मार्ग है, कुल 1062 सीढ़ियाँ हैं। दूसरा मार्ग एक सड़क का मार्ग है और तीसरा एक रोपवे का मार्ग है। रोपवे में भी श्रद्धालु माता रानी के कपाट तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जो सड़क का मार्ग है वहाँ केवल प्रशासन के लोगों को ही अनुमति रहती है। आज हम सीढ़ियों के रास्ते आपको माता रानी के द्वार तक लेके चलेंगे और सीधे माता रानी के आपको दर्शन कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आप हमारे साथ चलते हैं सीधे माता रानी के कपाट तक और माता रानी के करते हैं दर्शन और आपको बताते हैं कि कैसे सीढ़ियों में भक्तों का जमावड़ा उमड़ चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त सीढ़ियों के रास्ते ही माता रानी तक पहुंच रहे हैं। चलिए आप हमारे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं सीढ़ियों के पहले पड़ाव पर। यहां तक कभी तक पहले पड़ाव में करीब 480 सीढ़ियां हैं। काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? ननकी। कोरोना का डर नहीं है आपको? मुंह में मास्क नहीं लगाई? एम से बांध ले थी। ऐसा? हाँ। अच्छा। और ये और बताइए, इस बार आराम है? मतलब कि मेले में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है? नहीं, आराम है अब, बड़ी ठीक। अच्छा, आपका क्या नाम है? रितु गुप्ता। रितु गुप्ता कहाँ से हैं रितु जी? कौशाम्बी। कहाँ से? कौशाम्बी। कौशाम्बी, ये कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी इलाहाबाद साइड। तो आप कैसे आई हैं यहाँ? ट्रेन से आई हैं कि बस से आई हैं? कार से आए हैं। कार से आई हैं। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे श्रद्धालु करीब 500 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और अभी से उनके माथे से पसीना बहने लगा है। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु हैं। अब आगे का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र चतुर्वेदी जी को हम बुलाएंगे। शिवेंद्र चतुर्वेदी जी आगे का हाल बताएंगे आपको। धन्यवाद महेंद्र जी। जैसा कि अब पहला पड़ाव खत्म हो चुका है और लगातार श्रद्धालु लोग कठिन परिश्रम करके माता रानी के दर्शन के लिए बड़े ही उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की निराशा नहीं दिखाई दे रही है। अब हम दूसरे पड़ाव पर चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं अर्धकुमारी माता रानी का मंदिर भी है, बाबा जी बैठे हुए हैं और लगातार श्रद्धालु आगे बढ़ते जा रहे हैं और सीढ़ियों की जो रेखा है, रूपरेखा है, वो लगातार सीधी होती जा रही है और कई कठिनाइयों के बावजूद भी श्रद्धालु लगातार बड़े ही उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे ही आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी किस प्रकार बड़े ही उत्साहपूर्वक माता रानी के दर्शनों के लिए आए हैं।
आप देख सकते हैं सीढ़ियों का दूसरा पड़ाव खत्म हो चुका है। कोरोना के चलते लगातार सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। अब आगे का हाल हमारे सहयोगी रविकांत जी देंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी शिवेन चतुर्वेदी जी ने बताया कि अब यहाँ माता रानी के दरबार का दूसरा पड़ाव यहाँ से खत्म हो चुका है। देख सकते हैं आप, ये जो रास्ता आ रहा है ये सेकंड फ्लोर का है। यहाँ से अब तीसरे चरण के लिए सड़क मार्ग खोल दिया गया, क्योंकि ये जो देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाया गया, यहाँ से दर्शनार्थियों के लिए बंद किया गया है। यहाँ से केवल सुरक्षा कर्मियों के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये पट बंद किए गए हैं। और दर्शनार्थियों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से सड़क, यहाँ से तीसरा मार्ग रानी के दर्शन के लिए खोल दिया गया है, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अब यहाँ पर कुछ सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी विजय कुमार द्विवेदी जी। आप इसके पहले भी आपकी ड्यूटी यहाँ लग चुकी है? जी हाँ, हम पहले भी मैहर मेले में ड्यूटी कर चुके हैं। शासन प्रशासन द्वारा इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है, जिनमें से सुरक्षा कर्मियों को एडिशनल साहब द्वारा हमारे ब्रीफिंग की गई थी, जिनमें से बताया गया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो दर्शनार्थी आते हैं उनको द्वारा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने का व्यवस्था करें। और जो ऐसे आप बता रहे हैं जी जी, मतलब कि जैसे हर साल मेला लगता था माता रानी के दरबार में, लोग आते थे, तो इस बार इस COVID-19 को दृष्टिगत रखते हुए मतलब क्या कुछ नया सरकार द्वारा किया गया आप लोग सुरक्षा के लिए? इसमें शासन द्वारा विशेष ध्यान रखा गया कि आप अपने मास्क का इस्तेमाल करें और हमें भी सैनिटाइजर और ये देखिए सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किए गए हैं। सुबह से आप कितने बजे से आपकी ड्यूटी यहाँ लगी? हमारी रहती है प्रथम पाली है, 2 बजे से चलती है और 12 बजे तक हमारी रहेगी। उसके बाद दूसरे लोग आएंगे हमें चेंज करने के लिए। तो इस तरह हम शासन प्रशासन द्वारा काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का हाल हमारे सहयोगी महेंद्र पांडे जी बताएंगे। बस कुछ ही क्षणों में हम माता रानी के दरबार में पहुंचने वाले हैं। हम कुछ ही क्षणों में माता रानी के कपाट के पास पहुंचने वाले हैं। इस बार मैहर मेले में भक्तों की भारी कमी देखी जा रही है। नवरात्रि में जहां मेले में पांव रखने की जगह नहीं होती थी, वहीं इस बार कोरोना संक्रमण का इतना बड़ा असर देखा जा रहा है कि देख सकते हैं आप, अब हम इस पैदल मार्ग में दिखा रहे हैं कि किस तरह ये पूरे पैदल मार्ग सूने पड़े हैं। काफ़ी मतलब 20% भी श्रद्धालु इस बार मैहर मेले में नहीं पहुँचे हैं। कोरोना का बहुत बड़ा असर दिखा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो हमें वो इन पर्वत की हसीन वादियों का भी नज़ारा दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत पे ही माता शारदा जी विराजी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें एमपी वॉच पर। एमपी वॉच कोरोना संक्रमण में भी अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए ये तय किया कि हम मैहर मंदिर जाएंगे और वहाँ सीढ़ियों के रास्ते से माता रानी तक आपको पहुँचाएँगे और वहाँ का विहंगम दृश्य भी दिखाएंगे और माता रानी के दर्शन भी कराएंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, बस चंद क्षणों में हम पहुँचने वाले हैं माता शारदा के पास और आपको भी कराएंगे माता शारदा के दर्शन। सारे बोलो जय माता दी, हंस कर बोलो जय माता दी, गा कर बोलो जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के कपाट के पास, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह है माता शारदा मैया का मंदिर। बस चंद कदमों की दूरी है माता रानी की जो सिंहासन है, माता रानी के सिंहासन पर हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे एमपी वॉच पे। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के कपाट के पास। अब यहाँ पे जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह सुबह पहले श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये है शारदा मैया, सीधे चूम करके दिखाएं। पुजारी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल कोरोना संक्रमण के बाद भी श्रद्धालुओं पर क्या असर पड़ा है, बताएं। माँ के भक्त बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। हाँ, कोरोना संक्रमण के वजह से जो सुविधा नहीं है, सुविधा ना होने के बावजूद वजह से ट्रेन बंद है,
थोड़ा सा संख्या कम है। कितनी संख्या घट गई है पिछले साल की तुलना? जहां लाखों की भीड़ थी वहां आज हजारों में पब्लिक आ रही है, लेकिन माँ के भक्त निरंतर माँ शारदा के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। मंदिर समिति ने क्या इस बार विशेष इंतजाम बरता है? थोड़ा सा रोक दो यार, मैं बोल रहा हूँ रोक दो। मंदिर समिति प्रबंधन ने इस बार क्या विशेष इंतजाम किए हैं श्रद्धालुओं के लिए? कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर माँ शारदा प्रबंधक समिति ने और प्रशासन ने सारी सुख सुविधा दी गई है। दर्शनार्थी यहाँ जो भी आते हैं वो संपूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी गाइडलाइन है उसका निरंतर ध्यान में रखते हुए दर्शनार्थियों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ आला उदल कुश्ती लड़ा करते थे। माता रानी के सबसे अनन्य भक्तों में से एक हैं आला उदल। आप हमारे साथ बने रहिए। माता रानी के दर्शन कराने के बाद अब हम रोपवे के माध्यम से मंदिर परिसर के नीचे जा रहे हैं और आपको हम अगले भाग में आला और उदल, माता शारदा के ये दो ऐसे अनन्य भक्त थे जिनके भक्ति भाव से ही मैहर आज प्रसिद्ध है, हम आपको अगले एपिसोड में आला और उदल की दिलचस्प कहानी भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए आप करिए हमारा इंतज़ार। हम फिर मिलेंगे नवरात्रि पर एक और स्पेशल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।